वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर से हैं उनके लिए हम लेके आए हैं हिस्ट्री का पेपर। और ये सीसीएस यूनिवर्सिटी जो मेरठ में है, तो मेरठ यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो 2022 के लिए कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जो भी छात्र हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पर पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ठीक है। और हाँ, एक हमारा न्यू चैनल अभी हमने लॉन्च किया है, जिसका नाम है खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी उस पर वीडियोस प्रोवाइड कराए जाए वो आपको सब कुछ मिले, ठीक है। तो खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड एक न्यू चैनल हमने क्रिएट किया है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रखा है। देखो, अब बात करने वाले हैं हिस्ट्री के पेपर के बारे में, क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हिस्ट्री में, क्या क्या पढ़ना है 2022 के एग्जाम में, जो आपका शायद 21-22 तारीख को पेपर होने वाला है, तो उसमें क्या पढ़ना है। देखिए ध्यान से, ये है हिस्ट्री का बात करने वाले हैं। पहले तो हिस्ट्री का अर्थ देखना है, मतलब हिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा मतलब हिस्ट्री, मतलब जैसे कहते हैं इतिहास का अर्थ क्या होता है, उसके स्रोत के बारे में पढ़ लेना है और उसके महत्व देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो है प्राचीन भारत में। देखो, बोला गया प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के उद्भव एवं विकास, मतलब कि प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था था, ठीक है, उसका विकास कैसे हुआ था, उसका विकास कैसे हुआ, ये क्वेश्चन देखेंगे। और प्राचीन काल में व्यापार कैसे चलता था, जो प्राचीन काल था उसमें व्यापार कैसे करते थे लोग, ये देखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिंधु घाटी की सभ्यताएं को याद करेंगे। और यहां बोला गया है ऋण वैदिक काल में आर्यों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में आपको बताना है, कि ऋण वैदिक काल में जो आर्यों की जो सामाजिक और जो धार्मिक कह सकते हैं धार्मिक जो स्थिति थी, पोजीशन थी, वो कैसी थी। और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक और धार्मिक अवस्थाओं के बारे में, पोजीशन के बारे में आपको बता देना है। और एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके लिए, पूछा जाता है कि मौर्य की उत्पत्ति, जो कह सकते हैं मौर्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन के बारे में बता देना है, जीवन काल के बारे में, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन कैसे व्यतीत हुआ था, और मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, मौर्य साम्राज्य था उसका पतन, मतलब कि पराजय होने का कारण क्या था, खत्म होने का कारण क्या था, उसकी विशेषताओं के बारे में याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे कहते हैं अशोक के थंभ पर टिप्पणी, अशोक के थंभ पर टिप्पणी और बौद्ध धर्म का प्रसार के बारे में, और साथ ही साथ प्रचार के बारे में भी आपको देख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनकी सीमाओं के बारे में, गुप्त कौन थे, और कह सकते हैं गुप्त वंश का वर्णन कर देना है, गुप्त वंश के पतन का कारण क्या था, गुप्त वंश क्या था, गुप्त वंश के पतन का कारण के बारे में याद करेंगे। वही बात की जाए, यह है समुद्रगुप्त के जीवन एवं सफलताओं के बारे में, समुद्रगुप्त की जीवन सफलताएं कैसे कैसे हुई थी उनके बारे में हमें याद करके जाना है। साथ ही साथ चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हैं, चंद्रगुप्त जो द्वितीय आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे, ठीक है। और वहीं आपको उसके जीवन व्रत के बारे में आपको बता देना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नीचे जाते हैं, और ये बोला गया है, देखो हेमसांग कौन थे, हेमसांग कौन था आपको ये बताना है, हेमसांग कौन था और उसके हर्षवर्धन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है। हेमसांग हर्षवर्धन के जीवन काल में भारत आया था, तो ये आपको बताना है। वही बात करने वाले हैं, हर्ष के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालना है, तो हर्षवर्धन था उसके प्रारंभिक जीवन, उसका पहले से जीवन कैसे व्यतीत हुआ था उसके बारे में आपको देख के जाना है। वही बात करें तो आप देख सकते हैं राज कह सकते हैं राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और कह सकते हैं साम्राज्यवाद क्या है, उसकी विशेषताओं के बारे में याद कर लेना है, उसके अवस्थाएं कारण क्या थे और पतन होने का कारण, बस इतना आपको देख लेना है। ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब नीचे जाते हैं हम लोग, और नीचे आपको देखने को मिलता है हिंदू धर्म में कितने तरह के संस्कार होते हैं, तो हिंदू धर्म में कितने तरह के संस्कार होते हैं उनका वर्णन करो, ये बड़ी चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि हिंदू धर्म में कितने तरह के संस्कार होते हैं ये आपको देखना है। और उसके बाद महमूद गजनबी का आक्रमण के कारण के प्रभाव के बारे में देख लेना, कि महमूद गजनबी का आक्रमण के कारण प्रभाव के बारे में, और साथ ही साथ महमूद गौरी के आक्रमण के साथ भारत की राजनीति दशा कैसी थी आपको ये देख लेना है, ठीक है। महमूद गजनबी थे जो मोहम्मद गौरी थे उनके आक्रमण के समय भारत की जो दशाएं थी, राजनीतिक दशाएं थी, वो कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता इज मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, हड़प्पा सभ्यता विदेशी व्यापार के संगठनों में वर्णन कर देना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी वही बात की जाए तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए आश्रम कह सकते हैं, जो आश्रम व्यवस्था होती है उसके बारे में देख लेना है। और वही सिंधु सभ्यता के देखो विनाश कैसे हुआ था, तो सिंधु सभ्यता था उसका विनाश और उसका निर्माण कैसे हुआ, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसको मोस्ट पे याद करना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और लास्ट में बस ये क्वेश्चन याद करना है, कलिंग युद्ध के बारे में पढ़ लेना है, और कुमार गुप्त का निबंध छोड़ देना है, और चालुक्यों के
उत्थान का वर्णन करना है, गुजरात में चालुक्य की जो उत्थान था उसका वर्णन कर लेना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बही मैग्नेटीज क्या है ये आप एक बार पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, यदि आप टॉप करना चाहते हैं तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना होगा, याद करके जाना होगा, और हमारे इन नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख रखे, हमने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो आप नोट्स को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ओके।